अगर विचार करो तो इस संसार में सबसे गाढ़ा बंधन जो है ना, वो आसक्ति का ही बंधन है। दिखने में तो नहीं आता, लेकिन सबसे गाढ़ा बंधन जो है वो आसक्ति का ही बंधन है। नवल दास जी को बुला भेजा दिल्ली के बादशाह ने और कहा जंजीरों में जकड़ कर डाल दो इसको कारागृह में। श्री महाप्रभु जी के कृपा प्रताप से रातों रात वृंदावन पहुंच गए। सुबह प्रहरियों ने जाकर बादशाह को बताया, बोले वहां तो खाली जंजीरें पड़ी हैं। बादशाह को अनुभव हुआ कि भाई ये कोई तेजस्वी महापुरुष है। अब बड़े आदर और सम्मान से बादशाह ने फिर दिल्ली में बुलाया। महाप्रभु जी का संकेत पाकर नवल दास जी गए। बादशाह ने कहा कि ये करामात कैसे दिखाई? तो नवल दास जी क्या कहते हैं, जो को उजरे जंजीर तन तोरू सतसा। हमारा अखंड श्रीवनवास का नियम है, गुरु चरणारविंद के दर्शन से ही हमारे दिवस का आरंभ होता है। ये हमारा जीवन व्रत है। अरे जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सत सात, मतलब ऐसी सहस्रों सहस्रों बेड़ियां तोड़ सकने में मैं समर्थ हूं, पर वो जो प्रेम का बंधन, वो जो आसक्ति का अनुराग का बंधन हमारा अपने गुरु चरणों से बंधा है ना, वो तोड़ने में हम समर्थ नहीं है। जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सतसा, प्रेम तंतु अट क्यों नवल सट क्यों अनत नजा। नवल दास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे ये हमारी कोई करामात नहीं है। कह रहे वो जो प्रीति का बंधन है ना तंतु, कह रहे वो जो अति कोमल प्रीति का बंधन है, कह रहे ये तो उसका सामर्थ्य है कि उसने हमें रातों रात वहां खींच लिया। प्रेम तंतु अटक्यो नवल सटक्यो अनत नजात, यानी जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सतसात। कितना कागज पर दस्तखत कराकर किसी को अपना बनाने का प्रयास करो, पर भाई अपना कोई बनता है तो प्रेम से ही बनता है। कोई बंधन अगर ऐसा है ना जो नहीं तोड़ा जा सकता है, वो तो भाई प्रेम प्रीति का ही बंधन है। ऐसे में कई बार सुनता हूं, सुनने में आ जाती है बात, कभी कभी अपनी बात लोग लिखकर भी भेजते ही हैं कि हमने जहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है उनकी तरफ से बड़ा आग्रह है कि यहां नहीं जाना वहां नहीं जाना, यहीं आना यहीं सुनना। कई कई जगह पर तो ये सुनने में आ रहा है, बोले कागज पर दस्तखत करा लेते हैं, यहीं आना यहीं सुनना है, कहीं जाना नहीं है। तो मैंने कहा भाई अपना कोई बने तो केवल प्रेम से बनता है, और प्रेम को किसी कागज पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेम को किसी दस्तखत की आवश्यकता नहीं है। ये सब कार्य तो किए ही वही जाते हैं जहां पर प्रेम का अभाव होता है। जहां प्रेम का अभाव है वहीं ये सब किया जाता है। प्रेम को इसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। काल में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो प्रेम के बंधन को धूमिल कर सके। जब तक सृष्टि रहेगी और सृष्टि के पश्चात भी गोपियों का यह प्रेम गीत अजर है, अमर है। ये इस अस्तित्व के आकाश में ऐसे ही सूर्य बनकर चमकता रहेगा और चांद बनकर अपनी चांदनी अपनी शीतलता छिटकता रहेगा। इसको धूमिल करने वाला, इसको मैला करने वाला कोई नहीं है।